कौन करेगा फिल्म की सिनेमेटोग्राफी? क्या बन सकता है टाइटल एक दिक्कत? क्या कहा कबीर खान ने अनाउंसमेंट के बाद? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, बजरंगी भाईजान के बाद सलमान खान ने इसकी सीक्वल बजरंगी भाईजान 2 की अनाउंसमेंट कर दी है। इस फिल्म को लेकर जब फिल्म के राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, जो भी अपडेट्स आएंगी वो सलमान खान की तरफ से आएंगी। आपको बता दें कि बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट विजेंद्र प्रसाद ने ही लिखी थी, इसके बाद सलमान खान को इस मूवी का अलॉटमेंट कर दिया गया था। और अब इसके सीक्वल के अनाउंसमेंट होते ही सोशल मीडिया पर फैंस का क्रेज देखने को मिल रहा है। खबर आ रही थी कि केवी विजेंद्र प्रसाद कुछ नया और इंटरेस्टिंग लाने वाले हैं, जिसकी तैयारी में वे अभी से लग चुके हैं। फिल्म बजरंगी भाईजान में आसिम मिश्रा ने ही सिनेमेटोग्राफी की थी। आसिम इंडियन सिनेमा के टॉप सिनेमेटोग्राफर्स में से एक हैं। उन्होंने बॉलीवुड के साथ कई फिल्में जैसे न्यूयॉर्क, टाइगर, दबंग 2, फैंटम और ड्रीम गर्ल में सिनेमेटोग्राफी की है। उन्होंने कबीर खान की डायरेक्ट की हर फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को संभाला है, एक्सेप्ट काबुल एक्सप्रेस। और इस बार भी यही उम्मीद है कि बजरंगी भाईजान 2 में भी सिनेमेटोग्राफर आसिम मिश्रा ही होंगे। वहीं जल्द ही सलमान खान को कई फिल्मों में देखा जाएगा और उनकी अभी आने वाली फिल्मों में से बजरंगी भाईजान 2 भी एक है। इस बार फिल्म का टाइटल भी एक समस्या हो सकता है, क्योंकि फिल्म का टाइटल है पवन पुत्र भाईजान। पवन पुत्र मतलब हनुमान जी और भाईजान यानी सलमान खान। शायद टाइटल हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज की सेंटिमेंट को हर्ट कर सकता है और ये बात मेकर्स के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है। बाहुबली फेम डायरेक्टर राजमौली की हिट फिल्म RRR इवेंट के दौरान सलमान खान बजरंगी भाईजान 2 के बारे में अनाउंस करते नजर आए। यहाँ तक स्क्रिप्ट भी राजमौली के पिताजी ने ही लिखी है। इस बात पर कबीर खान का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। जैसे हम सबको पता है कि बजरंगी भाईजान कबीर खान द्वारा ही डायरेक्ट की गई थी, इसलिए ये उम्मीद ज़्यादा की जा रही थी कि कबीर खान ही बजरंगी भाईजान 2 को भी डायरेक्ट करेंगे। और उन्होंने इंटरव्यू देते वक्त कहा कि बजरंगी भाईजान 2 की स्क्रिप्ट अभी तक लिखी नहीं गई है और ना ही इस फिल्म को लेकर वास्तव में कोई विचार किया है। उन्होंने यही बात अपनी फिल्म 83 के प्रमोशन के दौरान भी कही थी। तो क्या सलमान ने फिर मनमानी कर बढ़ाई अपने मेकर्स के लिए दिक्कतें? वेल, यहाँ पर बजरंगी भाईजान 2 को लेकर साफ कर दिया गया है कि अभी इसकी स्क्रिप्ट ही नहीं लिखी गई है और कोई चर्चा भी नहीं है, लेकिन भाईजान तो अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो फिल्म आएगी या नहीं, इस बात पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें, सेफ रहें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।